चुनाव में प्रत्याशी के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी भी काफी अहम होती है। दुर्ग से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के साथ उनकी पत्नी रजनी बघेल और उनके बेटे सौरभ बघेल भी मतदान करने पहुंचे। भिलाई के सेक्टर 5 स्थित मतदान केंद्र में सभी ने लाइन में लगकर मतदान किया। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान जोरों पर है। सुबह से ही तमाम जो क्षेत्र के मतदाताओं हैं उनमें उत्साह है। अभी हम मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई के सेक्टर 5 स्थित बीएसपी स्कूल में। आप देख सकते हैं यहाँ मतदाताओं की खासी लंबी लाइन है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं दुर्ग लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल जी भी लाइन में लगकर अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं और खासी उत्साह मतदाताओं में है। देख सकते हैं इधर भी काफी लंबी लाइनें हैं। इसके साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य लोग भी आए हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ स्कूटी में यहाँ तक पहुंची है मतदान करने, वो भी लाइन में लगी हुई है। ये देख सकते हैं इनकी धर्मपत्नी से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे ये आप साथ में आए कैसा लग रहा है, किस तरह का उत्साह है? लोगों में बहुत उत्साह है और सब बढ़ चढ़ के सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। आप भी महिला हैं और लगातार जैसे महिलाओं को केंद्रित किए हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। पिछले चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने महातारी वंदन योजना, इस बार कांग्रेस की ओर से लाए गए महालक्ष्मी योजना, क्या कुछ इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? नहीं, असर तो देखने को नहीं मिला। मैं बहुत सारे गाँव में घूमी, लेकिन हमारी बहनें बोल रही हैं कि वो तो पहले ही 500 बोले थे, उसको नहीं दे पाए तो अब 1,00,000 को क्या देंगे करके उन लोग खुद ही बोल रहे हैं। पिछले बार रिकॉर्ड वोटों से जीते थे छत्तीसगढ़ से विजय बघेल जी, इस बार क्या उम्मीद है आपको? इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। काफी आश्वस्त हैं? आश्वस्त हैं। लगातार कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ प्रचार प्रसार कर रही? बिल्कुल, कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार प्रसार कर रही हूँ। एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूँ। बिल्कुल, एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही है। कौन है बेटा? जी जी, इनके साथ ही साथ उनके बेटे भी है विजय बघेल जी के, लड़के भी हैं लाइन में लगे हुए। पूरे परिवार आए हैं मतदान करने के लिए और पूरा निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं, बकायदा लाइन में लगकर ही वोटिंग कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रत्याशी खुद लाइन में लगे हुए हैं, उनके ये बेटे हैं, उनकी पत्नी से भी बात की हमने, उनका बेटे से भी चर्चा करेंगे सौरभ जी। तो ये जो उत्साह है लोगों में, आपको क्या लगता है कितना आपके पक्ष में आएंगे? जी, जिस तरीके का उत्साह यहाँ पे दिख रहा है, अब वो तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कितना पक्ष में आता है और कितना। क्या मुद्दा रहा कि इसके आधार पर आप लोगों के बीच पहुँचे? जी, मैं तो सोशल मीडिया देखता हूँ पापा का, तो मेरा वो है कि जो भी मुद्दे हैं उनको लोगों तक पहुँचाऊँ मैं। तो मैं ऐसे प्रचार में तो नहीं जाता, दीदी जीजा जी मम्मी सब जाते हैं, बुआ, तो वो जहाँ पे जाते हैं उनको मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ, मैं सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ। अभी युवाओं का भी एक बड़ा वर्ग है जो काफ़ी प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कितने युवाओं को आप जोड़ पाए, कितने युवाओं तक आप पहुँच पाए? काफ़ी युवाओं तक पहुँच पाए हैं, जैसे कि मोदी जी की जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसके माध्यम से हम काफ़ी युवा तक पहुँच पाए हैं। उसका प्रचार अच्छे से करना, उसका बेनिफिट बताना लोगों को कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है, तो उससे काफ़ी युवा भी प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इनका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये पहुंचे हैं। उनकी गृहिणी है जो उनकी पत्नी है, उनके साथ लगातार प्रचार प्रसार में रही है, महिलाओं के बीच पहुंचती रही है, स्वयं लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं और उनके बेटे हैं वो युवाओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किए हैं। लगातार जो मेहनत इन लोग किए हैं, अभी तमाम जो मतदाता है वो आज अपनी जो वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मेहनत कितनी रंग लाई। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए दुर्ग से दिलीप साहू।